सरकाय लो कटिया पकाना लगे, सरकाय लो कटिया पकाना लगे। कहता हुआ मैं जाड़ा ज्यादा लगे, सरकाय लो कटिया पकाना लगे, सरकाय लो कटिया जाड़ा लगे। कहता हुआ मैं जाड़ा ज्यादा लगे, सरकाय लो कटिया पकाना लगे। अरे भैया जाड़ा बहुत ही लाग रहा, चलो बीड़ी पी लें जा। अरे दादा यो जाड़ा, यह जाड़ा है भैया। अब तनु को आराम मिला है भैया। बड़ी ठंडी है दादा। कहाँ भैया, कौन है, कहाँ आजू बाजू? हाँ चाचा, हम हैं दुन्नी लाली का लड़का। लग रहा पिछवाड़े पाइपलाइन जाम हो गई है, उतर नहीं रही चाचा। उतर नहीं रही लागत है। ए चाचा कुछ बीड़ी सीढ़ी रखे हो का? हाँ भैया है तो, लेकिन आधी है। लो भैया लो। ला चाचा यही काम चला ली। बहुत अच्छी बीड़ी है चाचा। हमारा तो काम है गवाह है, थोड़ा बचा वो करके हम निकरित है। अरे कर तो लिया भैया, पर धोई कैसे? लोटा पानी तो बर्फ बना पड़ा है। घास पर घसली का भैया, पर घास और पानी बना पड़ा है। हमारे पास दो विकल्प यहाँ है, या घास पर घसली या पानी। घास पानी, घास पानी। कहाँ होएगा भैया? अरे दादा यू कहाँ होएगा भैया, तुम तो आईट गए हो। लोटम तो पानी भरा था, घास अब किस लिए हो कहाँ भैया? अरे दादा हमारी साइकिल भी धोखा दे गई भाई। ठंड भी बहुत लग रही भाई, लग रहा चाचा अपने बाग में आग जलाए हैं। एक काम करते पहले जाके आग ताप लेते भाई। आओ हवलदार गप्पू भैया, आओ बैठो भैया बैठो। और चाचा क्या हाल है, ठंड बहुत हो रही चाचा है? हाँ भैया ठंडी तो बहुत है, यहीं से सब हमारे बाग में गर्मी ढूंढे कपाला लोग आए जात भैया। कपाला? वो शक्तिमान वाले कपाला आवा थे कहा चाचा है? अरे नहीं भैया नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम वो लौंडा लौंडिया वाले कपालक बात कर रहे हैं। हाँ उनको उनसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चले जाते हैं और अपने पीछे गीले गुब्बारे छोड़ जाते हैं भैया। हाँ और फिर लौंडे लफाड़ी आवत है, वो गुब्बारे का मुँह से फुलावत है, अच्छा नहीं लगा था ना भैया, समझ रहे हो? अच्छा चाचा, शक्तिमान वाले कपाला नहीं, वो बैंग बैंग वाले कपल आते हैं। इसीलिए भैया हमको बाग बचाना पड़ता है कपाला लोगों से भैया। हाँ अब क्या होता है चाचा, आजकल के लौंडा लफाड़ी से बहुत बिगड़ गए भैया है। मुझे चाचा एक बात बताओ, आपके जमाने में भी मालबाजी होत रही का भैया है? अरे नहीं हवलदार गप्पू भैया ऐसा नहीं है, हम अपने जमाने में बहुत बड़े मालबाज रहा ना भैया,
आ जाओ देख ले जाए कमरे सरसों के तमाम दुई गज जमीन पर इतना घसे हैं, आ जाओ घास नहीं उगत भैया। रसिया तुम भी कम थे नहीं चचा है। अरे चाचा ये देखो उलट गए हुए परे रहा हम लेके आए हैं इनका। अरे रामा देर भैया यू का होएगा इनका। अरे का होगा भैया इनका है का करी चाचा। अच्छा लेके आओ भैया लटाओ भैया इनका लटाओ इधर इधर का पिछवाड़ा करके लटाओ भैया लटाओ लटाओ दी चाचा। अच्छा भैया आप बताओ तनिक भवा का रहे हुआ। अरे चाचा ही गे रहा हूँ सरसों टट्टी फिर है फिर अचानक इनके चिल्लाए आवाज आ गई तो हम देखा जाए तो लोटा पानी भरा धरा रहा है और ही हुआ आईठे परे रहा चाचा। चाचा लग रहा है ये तो एकदम अकड़ गए हैं है? वैसे क्या बताएं चाचा जाड़े में तो सबका अकड़ा ही रहता है। अरे मतलब शरीर अकड़ा रहता भैया सबका है? है? अरे हवलदार भैया तनिक देखो कुछ नरमाहा टाइप पिछवाड़े में की नहीं है इनके भैया देख ले भैया। रुको चाचा हम चेक कर रहे हैं इनको है? ओहो चाचा गर्माहट से पता चल रहा है कि नरमाहट आ रही है धीरे धीरे आए। अरे लग रहा चाचा इनका पेट सही से साफ हुआ नहीं है गंध मचा दी नहीं तो भाई। अरे उठ जा भैया। एक मिनट एक मिनट। लग रहा कहूँ ट्रैक्टर फंस गया है का? अरे ससुर हवलदार वहाँ लौंडे टट्टी नहीं उतरी या तुम्हारा टट्टर है बस आवाज दिए दो घंटे अब तुम्हारे चुप्पा बैठे रहा हूँ वहाँ बता दे कहाँ भैया कहाँ हुए गवर है तुम कहाँ है अकड़ गए रहा हूँ वहाँ। अरे चाचा दरअसल हम सरसों खेत में टट्टी भी रह गए रहा अब कहा बताई चाचा ठंड इतनी पड़ती रहा है टट्टी तो कर लिया अब धोएक बारी आई तो लोटक पानी बर्फ बना पड़ा घास और पानी रहा तो अब हमारे पास दो ही विकल्प रहा है या हम पानी धुल लेते नहीं तो घास बगस लेते। तो भैया तो कहा चाचा हम दूसरा विकल्प चुन लिया घस लिया घास पर। और रामाधीर भैया तुम तो हो तो कह रहा हूँ लोटा लेके हुआ टट्टी फिर है तुम नहीं जम गए भैया। गए तो हम रहन चाचा लोटा लेके हाँ भैया लेकिन मौसम की नजाकत देख के हम बगैर धोन भाग गए ना तभी हम सोचे चाचा की अचानक से फिजाएं महकने काहे लगी है। आईका मतलब भैया स्वच्छ भारत अभियान का ठेका तुम्हें ले रखे हो आए हमारा लड़का है बहुत समझदार है हाँ आज तक तुम्हारे जैसी कोई बेवकूफी नहीं करी सा भैया। अरे ओ चाचा तुम्हारा लौंडा हुआ सरसों खेत में अकड़ा पड़ा है भैया हम बगली से निकल के गए तो देखा लोटा पानी से भरा बगल में रखा और तुम्हारे भैया आई ठीक है देखो चा निकल के चाचा। लग रहा चाचा तुम्हारा लड़का दूसरा विकल्प चुन ली ही सहाय। हे गाइस वीडियो कैसी लगी यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि ये वीडियो स्पेशली हम लोगों ने जाड़े के लिए बनाई थी पर जाड़ा ऑलमोस्ट जाने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी बनाना यानी कुछ दिन पहले तब अच्छा खासा जाड़ा था लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो DSLR से शूट हुई हमारे पास DSLR नहीं है तो हमने अपने दोस्त से DSLR लिया हुआ था और आधी वीडियो शूट होने के बाद कुछ दिन पहले उसे कुछ काम पड़ गया तो उसने DSLR वापस ले लिया जिसकी वजह से वीडियो बीच में ही टंगी रह गई और अब हमें DSLR वापस मिला तो हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया इसलिए इस वीडियो को बनाने में काफी टाइम लग गया। उसके बाद एडिटिंग की बारी आती है तो एडिटिंग के समय मैं अपने गांव आ गया क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम पड़ गया था आप पीछे देख सकते हो मैं अपने गांव में हूं तो इसी वजह से यहां पे लाइट की बहुत प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फोन में
चार्ज नहीं था, ऊपर से इंटरनेट कनेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसी वजह से वीडियो लेट पे लेट होती गई। पर आई होप आप लोग हमारी प्रॉब्लम को समझ पाओगे यार कि कितनी प्रॉब्लम से वीडियो तैयार हुई यार, और इस वीडियो में बहुत मेहनत की यार। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करो, इसे शेयर करो यार, और कमेंट करके बताओ हमें वीडियो कैसी लगी यार, और आपका कुछ भी सुझाव तो हमें ज़रूर बताओ यार, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करते यार। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।